नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कंडोला पादड़ी बड़ी निवासी सुरेश चंद्र परमार ने बताया कि उसकी कब्जेशुदा जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा महादेव की जमीन बताकर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में सुरेश चंद्र परमार द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी कब्जेशुदा जमीन पर बनाई गई झोपड़ी को आज गिरा दिया गया। उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में उपस्थित होकर सुरेश चंद्र परमार ने अपनी व्यथा सुनाई है, देखिए पूरी रिपोर्ट। सूर्य चंद्र परमार, कंडोला पादड़ी बड़ी से, और मेरे साथ काफ़ी दिनों से अत्याचार हो रहा है। मेरे एक ज़मीन है, वहाँ पे निवास है, वहाँ पे एक छोटी टापरी भी बना रखी है। नियमानुसार मैंने विद्युत भी ले रखा है। 5 तारीख रविवार को कुछ लोग वहाँ पे आए, जेसीबी द्वारा मेरी नींव थी समतल कर दी। रेती पड़ी हुई थी, रेती उठा के रोड के साइड पर एकदम कर दी, और पत्थर थे कम से कम 15 ट्रिप के आसपास, तो वो भी उठा के अस्त व्यस्त कर दिए। और आज वह मेरे जो निवास स्थान था, जहाँ पे जो मेरी टापरी बना रखी है, उसको ताड़ने के बार बार मुझे प्रताड़ित किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। जो मैं कई बार मैंने थाने में भी रिपोर्ट दे रही, एसपी साहब के सामने भी पेश हुआ, जो मेरे पास ये सारे कागज़ हैं जो ये रहा, और पंचायत की भी सन 2011 की मेरे पास रसीद है, इसके बाद में सन 2021 की भी रसीद है, इसके बाद सन 2020 में भी मेरे साथ पंचायत में जैसे हुआ था, कई बार वहाँ पे फोरम आई है, इस तरह से यूँ है, उनको दबाव करा करके मुझे परेशान किया जा रहा है। और मेरी ज़मीन है आबादी बिला नाम की ज़मीन है, न मैं किसी के खसरे पे बैठा हुआ, और मुझे ये महादेव के नाम से हवाला दिया जा रहा है। ये हवा, ये महादेव की जाए तो उठ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि महादेव की होगी तो पटवारी है, तहसीलदार है, उनके द्वारा अगर हटाया जाए तो उनके द्वारा सीमांकन करवाया जाए। अगर उनकी भूमि होगी तो मैं उठ जाऊँगा, अगर आबादी भूमि होगी तो मेरे को तो बैठना पड़ेगा। मेरा जहाँ बैठा हुआ मुझे पता है कि ये ज़मीन ये इस तरह से है, तो मुझे क्यों हटाया जा रहा है। और लाइनमैन है विजय करके, उसका बार बार फ़ोन आ रहा है, मैंने मीटर लगाया हुआ है, बिल भी आ रहा है। कल मेरे बाहर परसों बारिश आई थी, जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन था वो फूट गया था, तो मैंने टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके मेरा वो कनेक्शन लगवाया, तो उसको यूँ कह रहा तुम ना मीटर अवैध लगते, इसका मतलब मेरे घर में कहीं मीटर तो नहीं बन रहे, घर में बन रहे हो, इसे यही स्थिति मेरी हो रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, या तो मैं एक आदिवासी हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मैं एक आदिवासी हूँ, मेरे साथ इतना सारा शोषण हो रहा है, जो भी आ रहा है वो कह रहा है कि गाँव का ज़मीन है, जब भी आ रहे तो भैया ब्राह्मण आ रहे, मेरा आदिवासी भाई भी वहाँ पर आने चाहिए गाँव में, जब देखो तब मेरे को ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं ही ऐसा क्यों, मतलब हमारा इस तरह हमारे जात के साथ इस तरह से ऐसा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इतना पत्र प्रताड़ित नहीं हूँ। आज कम से कम मेरे पास सारे का एविडेंस है, इससे ये देखो, आप इसको देखिए, ये मौका पर्चा बनाया हुआ है PDWDO के नाम से ये है, फिर इसके बाद में ये मौका पर्चा बनाया, इसके बाद मौका पर्चा ग्राम पंचायत के नाम से है ये, इसके बाद में फिर ये मैंने एसपी साहब को ये रिपोर्ट दी, फिर पुलिस वाले आते हैं देख के चले जाते हैं, कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद ये इतनी बार देखे मैंने ये एसपी साहब के पास, फिर इसके बाद में मैंने ये भी रिपोर्ट दी बार बार, इसके बाद में फिर आज फिर मैं तहसीलदार साहब को मुझे भी ज्ञापन दे रहा हूँ, जो एक लेटर मैंने आज करवाया है, जो मुझे न्याय दिए, जो कल शाम को भी मेरे को कुछ लोग आए, एक बोल रहा है मैं पत्रकार हूँ, तेरी सारी जांच करवा दूंगा, तेरा घर गिरवा दूंगा, इस प्रकार से मेरे को धमकियाँ मिल रही है, या तो मेरे जान के साथ खतरा हो रहा है, इससे ज़्यादा अति खतरा हो रहा है मेरे साथ। आपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है? पहले दिया था, मैं अभी बड़े उपखंड अधिकारी को मैं ये ज्ञापन दे रहा हूँ अभी आज, जो मेरे साथ मेरे साथी भी हैं यहाँ पे, और जो मेरे गांव के भी हैं, जो उनके साथ द्वारा मैं आज तहसील को ये उपखंड अधिकारी को मैं दे रहा हूँ, जो मेरे को पूरी ज़मीन नहीं चाहिए, जो मुझे मेरे जहाँ मेरा आसीना बेटा है बना है, जहाँ मेरा कब्जा है, उसी को मैं तो चाहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा ज़मीन को लेकर, महादेव की ज़मीन पर बैठ के मैं क्या करूँगा, मुझे किसी भी व्यक्तिगत की ज़मीन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो ज़मीन है उसी ज़मीन से मेरा अधिकार है, इससे ज़्यादा मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं छीन रहा हूँ ना कोई नहीं, आज 30 साल से मेरे बाप दादों का कब्जा है। मैं ये चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से सब जगह सारे ये हिंदुस्तान में पहुँचे, और इस प्रकार के जो गरीब आदिवासी हैं उनको एक तरह का न्याय मिले, मैं यही चाहता हूँ। मैं आपको चैनल के माध्यम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे अच्छा न्याय मिले, और मेरे पास जो जेसीबी लगी उसका भी मैंने वीडियोग्राफ है मेरे पास, उसमें भी देख लीजिए, दो आदमी विरोध कर रहे थे उसका वीडियो भी मेरे पास है, इसके बाद में आज कल वो आए थे उसका भी मेरे पास फोटोग्राफी है, उससे पूर्व भी हुआ उसका भी मेरे पास फोटोग्राफी है, सारे मेरे पास एविडेंस है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।